हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल नेटवर्क ट्रीटमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रेगमाही मच्छी का यूज कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक मछली है जो कि रेगिस्तान में पाई जाती है। ये बालुई इलाकों में पाई जाती है, जहाँ पे बालू का पहाड़ होता है या जहाँ पे बहुत सारे बालू हैं। ये अपने भारत देश में भी पाई जाती है और बाहर भी पाई जाती है, और ज़्यादातर तो ये सऊदी अरेबिया में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे रेतीले स्थान बहुत सारे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो है रेगमाही मच्छी सेक्स को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, सेक्स को बढ़ाने के लिए नहीं, इसमें इतनी गर्मी रहती है कि अगर इसको एक खुराक नामर्द को भी खिला दिया जाए तो वो भी मर्द हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें इतनी हीटिंग होती है और इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त पावर होती है इस मछली के अंदर कि इसको खाने वाला बेचैन हो जाएगा कि अब मैं क्या करूँ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसको यूज कैसे करना है? दोस्तों इसको यूज डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, इसको हम किसी माजून में मिला के यूज कर सकते हैं। जैसे माजून, कोई भी सेक्स का माजून हो, जैसे माजून सालब है, माजून जलाली है, सबाब आजम है, या लबूब कबीर है। ये अपना लबूब कबीर खास, तो दोस्तों हमें करना क्या होगा कि हमें ये 125 ग्राम के कंटेंट्स का कोई भी माजून लेना होगा जिसका वजन 125 ग्राम हो। वैसे आमतौर पे तो सारे ही माजून 125 ग्राम के ही आते, तो उसको हमें लेना होगा दोस्तों। और हमें इस मछली को पाउडर करना होगा, चाहे खलल में कर लो, चाहे मिक्सर में डाल के ग्राइंडर कर लो। अब दोस्तों करना क्या होगा कि 125 ग्राम माजून में हमें ये सिर्फ 10 ग्राम मिलाना है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 10 ग्राम, 10 ग्राम को पाउडर करना है और कोई भी माजून के डिब्बे में मिला देना है दोस्तों। और मिलाने के बाद में उसको अच्छी तरीके से मिला देना है कि वो माजून में एकदम मिल जाए, एकदम मिल जाए, कहीं भी ज़्यादा इसका डोज ना मिले। इतना मिक्स करो उसको कि एकदम उसी में गायब हो जाए। अब दोस्तों हमें खाना कैसे रहेगा, मिलाने के बाद में हमें एक एक चम्मच सुबह शाम हल्का नाश्ता करने के बाद एक गिलास दूध के साथ सेवन करना होगा दोस्तों, और इसका रिजल्ट आपको एक खुराक में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा फार्मूला है दोस्तों कि अगर कोई नामर्द है तो वो भी इस एक खुराक खाने के बाद मर्द हो जाएगा, यानी मर्द कहनाने के लायक हो जाएगा कि हाँ भाई, मेरे अंदर भी कुछ है और मेरे अंदर भी पावर है, स्टेमिना है, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है, क्योंकि ये कुछ मार्केट में कुछ 20-22 हज़ार रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। तो दोस्तों हमें इसको पाउडर करने से पहले इसके सारे अजाओं को साफ कर लेना होगा, क्योंकि इसमें नमक लगाया जाता है जिससे हमारा माजून नमकीना ना हो। इसको साफ़ सुथरा करने के बाद में हमें 125 ग्राम कंटेंट्स के माजून में सिर्फ 10 ग्राम मिलाना है दोस्तों, और मिलाने के बाद में हमें सुबह शाम एक एक चम्मच एक गिलास दूध से खाना है। दूध किसका भी हो, चाहे गाय का हो या भैंस का हो, आपको सिर्फ दूध से सेवन करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।